आईपीएल 2021 को लेकर आज मेरे पास काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आई है। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2021 को लेकर गाइस पे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही है, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप से पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूज के बारे में। सबसे पहले न्यूज निकल कर आ रही है यूएई के गवर्नमेंट की तरफ से। तो गाइस अभी यूएई के गवर्नमेंट ने आईपीएल 2021 को गाइस पे करवाने के लिए एंड उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे यूएई की गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि यहाँ पे आईपीएल में आप गाइस पे 50% क्राउड अलाउड रहेंगे। जी हाँ, 50% क्राउड यहाँ पे अलाउड रहेंगे एंड जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है कोविड-19 का वो लोग गाइस यहाँ पे स्टेडियम में आके मैचेस देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आईपीएल फैंस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ है क्योंकि अब यहाँ पे आपको तो कि देखने को मिलने वाले हैं क्राउड यहाँ पे आईपीएल 2021 में। लास्ट ईयर हम सभी को देखने को नहीं मिला था, इस साल भी हम सभी को देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब आईपीएल जा चुका है यूएई, अब हम सभी को यूएई में क्राउड देखने को मिलने वाली है। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरी न्यूज़ के बारे में। दूसरी न्यूज़ निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। कोलकाता नाइट राइडर्स के 3 खिलाड़ी पूरी तरीके से आईपीएल 2021 से बाहर हो चुके हैं। पहले खिलाड़ी का नाम यहाँ पे पैट कमिंस, जो कि अपने आप को जो कि आईपीएल 2021 से उन्होंने पुल आउट कर लिया था। एंड दूसरे खिलाड़ी गाइस यहाँ पे अब मुस्तफिजुर रहमान, तीसरे खिलाड़ी शकीबुल हसन। जी हाँ, ये दो खिलाड़ी भी गाइस अब आईपीएल 2021 से पूरी तरीके से गाइस बाहर हो चुके हैं एंड गाइस यहाँ पे ऑफिशियल पूरा स्टेटमेंट निकल कर आ चुकी है जहाँ पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इनको एनओसी नहीं दी है आईपीएल खेलने का, और इसी वजह से ये दो खिलाड़ी भी अब आईपीएल 2021 से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के लिए ये काफ़ी बड़ी बुरी खबर है। तो गाइस अब हम बात करते हैं तीसरे न्यूज़ के बारे में। तीसरी न्यूज़ निकल कर आ रही है किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से। तो गाइस यहाँ पे किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से एक और बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जहाँ पे कुछ खिलाड़ी गाइस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो इसमें से गाइस यहाँ पे पंजाब की टीम का गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे खिलाड़ी जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से मिस करने वाले आईपीएल 2021 को, और इसी वजह से गाइस यहाँ पे पंजाब किंग्स की जो टीम है उन्होंने गाइस यहाँ पे रिप्लेसमेंट का जो कि लिस्ट है उन्होंने बना लिया है। एंड जैसे गाइस यहाँ पे यूएई का जो प्लान होगा बीसीसीआई जैसे अपना ऑफिशियल जो कि स्टेटमेंट जारी करेंगे रिप्लेसमेंट को लेकर, जो फाइनल रिपोर्ट है जैसे कि उन्होंने क्रिकेट बोर्ड से जैसे वो बात करेंगे एंड ऑफिशियल अपना जो कि स्टेटमेंट देंगे कि बातचीत हुआ लेकिन हम उन खिलाड़ी को नहीं ला पाए, तो उसके बाद गाइस वो जो कि अपने खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट अनाउंस कर देंगे। तो गाइस अब पंजाब किंग्स की तरफ से ये नई रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही थी। तो गाइस अब हम बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। चौथी अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 का रिस्टार्टिंग डेट। जी हाँ गाइस, यहाँ पे रिस्टार्टिंग डेट भी गाइस यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है जहाँ पे आप सभी के यूएई में आईपीएल देखने को मिलेगा। एंड गाइस जो डेट होने वाली है गाइस यहाँ पे होने वाली है 17 सितंबर। जी हाँ, 17 सितंबर को गाइस यहाँ पे आईपीएल 2021 फिर से आप सभी को स्टार्ट होता हुआ नजर आने वाला है यूएई में। और गाइस आईपीएल 2021 का रिस्टार्टिंग डेट यही होने वाली है। बीसीसीआई की तरफ से भी यही रिपोर्ट है कि यहाँ पे इसी डेट को आईपीएल 2021 को फिर से रिस्टार्ट करवाया जाएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं आखिरी न्यूज के बारे में। आखिरी न्यूज निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी गाइस यहां पे बाहर हो रहे हैं पूरी तरह से आईपीएल से एंड कुछ खिलाड़ी भी बाहर हो भी चुके हैं। लेकिन गाइस अब ऐसी रिपोर्ट निकल कर आ रही है आरसीबी की ऑफिशियल गाइस यहां पे पूरी तरीके से ग्लेन मैक्सवेल से बातचीत करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग, एंड उसके बाद गाइस यहां पे फैसला लिया जाएगा एंड क्या गाइस यहां पे ग्लेन मैक्सवेल का रिप्लेसमेंट अनाउंस होगा या नहीं होगा इसके ऊपर भी गाइस चर्चे होने वाले हैं। आरसीबी के मैनेजमेंट इसके ऊपर डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद रिप्लेसमेंट को लेकर कोई डिसीजन लिया जाने वाला है। लेकिन गाइस रिपोर्ट तो ऐसी है कि ग्लेन मैक्सवेल अगर बाहर भी होते हैं तो गाइस यहाँ पे उनका रिप्लेसमेंट अनाउंस किया नहीं जाएगा। तो आपका इस पर में क्या ओपिनियन है, आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। तो गाइस अभी ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही थी, सारी न्यूज का आज निकल कर आ रही थी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।